एक पेड़ पर एक सुंदर गुंजन पक्षी रहता था। उसका छोटा शरीर, सुंदर रंग, लंबी पतली चोंच बहुत आकर्षक लगती थी। वो बहुत तेजी से उड़ता था। वो सभी पक्षियों की मदद करता था। वो पक्षियों के बच्चों का रखवाला भी था। उसी पेड़ पर एक कौवा भी रहता था। वो गुंजन से बहुत जलता था। उसने गुंजन को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। वो शेर के पास पहुँच गया। शेर महाराज, आप जंगल के राजा हैं। आपके पास सब कुछ है, लेकिन एक कमी है। इसी जंगल में जादुई मोती है, लेकिन वो आपके पास नहीं है। उस जादुई मोती से जो चाहो वो मांग लो, मिल जाएगा। जादुई मोती जंगल में है? कहाँ है? गुंजन पक्षी के पेट में है। वो गुंजन पक्षी मेरे ही पेड़ पर रहता है। यदि आप कहें तो मैं उसे आपके लिए पकड़वा सकता हूँ। वाह, क्या बात कही है। मुझे वो जादुई मोती चाहिए। तुम एक काम करो, किसी तरह गुंजन को पकड़वा दो ताकि मैं वो जादुई मोती पा सकूं। अगर मुझे मोती मिल गया तो मैं तुम्हें अपना मंत्री बना दूंगा। कौवे ने गुंजन को पकड़वाने का विचार बना लिया। उसने पेड़ से कुछ दूर गुंजन की मन पसंद खाने के दाने और चीजें जमीन पर बिखरा दी। चलो गुंजन, ऊपर वाले ने तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम किया है, मैं भी तुम्हारे साथ खा लूंगा। गुंजन को कोई शंका नहीं हुई और वो नीचे जाकर कौवे के साथ दाने खाने लगा। उसे बड़ा मजा आया। उसने कौवे का शुक्रिया अदा किया और घोंसले में लौट आया। दूसरे दिन कौवे ने फिर से गुंजन को कुछ गिरे हुए दाने दिखाए और उसके लालच को बढ़ाया। गुंजन, आज भी दावत है, चलो खा लो। मैंने तो अपना पेट भर लिया है, लेकिन तुम्हारे लिए छोड़ दिया है। गुंजन ने कौवे की बात मान ली और जाकर दाने खाने लगा। दाना खाते समय उसे अपने पैरों में कुछ जकड़न सी महसूस हुई। वो जाल में फंस चुका था। कौवे ने उसे धोखा दिया था। शेर भी मौके पर पहुंच गया और उसने अपने पंजे में गुंजन को जकड़ दिया। गुंजन, मेरे हाथ आ गया, अब तो जादुई मोती भी मिल जाएगा। राजन, आपकी पहली बात तो सच हुई, लेकिन ये जादुई मोती वाली बात मेरी समझ में नहीं आई। जादुई मोती जो तुम्हारे पेट में है अब मुझे मिल जाएगा। कौवे ने बताया और तुम्हें फंसाया। गुंजन को सदमा लगा, लेकिन उसने धैर्य से काम लिया और शेर के सामने अपनी बात रख दी। आप जंगल के राजा हैं, सबके स्वामी हैं। मैं भी आपकी भलाई के बारे में ही सोचता हूँ। इसके पहले कि आप मेरे प्राण हर लें, मैं आपको चार ज्ञान की बातें बताना चाहता हूँ, जो आपके जीवन में बहुत उपयोगी सिद्ध होंगी। हाँ हाँ, बताओ वो चार ज्ञान की बातें क्या है, मैं सुनना चाहता हूँ। गुंजन मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ और वो संभल कर ज्ञान की बातें बताने लगा। ये महाराज, कभी भी किसी पर बिना जाने समझे विश्वास नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, सही मौके बार बार नहीं मिलते, इसलिए उसका फायदा उठाना चाहिए। तीसरी बात, लालच में न आकर बुद्धिमानी भरा फैसला करना चाहिए। ये तीन बातें तो बहुत अच्छी बताई तुमने, अब चौथी ज्ञान की बातें भी बता दो। चौथी बात बंधन में रहकर नहीं बताई जाती, वो तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। उसको जानने के बाद आपका जीवन पूर्णतः सफल हो जाएगा। शेर अपना ज्ञान बढ़ाना चाहता था। उसने तुरंत गुंजन को आजाद कर दिया। गुंजन छूटकर सामने पेड़ की डाली पर बैठ गया। हे राजन, मेरी पहली बात पर आपने अमल नहीं किया, मेरी बात पर बिना सोचे समझे विश्वास कर लिया। इसी तरह कौवे की बात पर भी सच्चाई जाने बिना आपने विश्वास कर लिया। आपने मेरी बात का भी विश्वास कर लिया। दूसरी बात, मुझे पकड़कर आपको सही मौका मिला था, लेकिन आपने उसे गंवा दिया। तीसरी बात, कौवा बड़ा चापलूस है, उसने मुझे धोखा दिया, दाने का लालच दिखाया और मैं फंस गया। उसने आपसे भी झूठ कहा, लेकिन आपने उसकी बात में आकर लालच के वशीभूत होकर बुद्धिमानी भरा फैसला नहीं लिया। चौथी बात ये है कि मेरे पेट में कोई जादुई मोती नहीं है। यदि होता तो मैं भी जादू के बल पर पहले ही आजाद हो गया होता। मुझे अपने दिमाग की चतुराई लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब मैं भविष्य में धूर्त कौवे की किसी भी बात पर विश्वास नहीं करूँगा। आप भी मत कीजिए, बुद्धिमानी से काम लीजिए। इतना कहकर गुंजन पक्षी फुर्र से उड़ गया और शेर ने कौवे को दबोच लिया।